कि 13 लाख करोड़ प्लस अलोकेट किया है सर, उसमें आधा तक पीएम किसान के लिए जाता है, तो जो हम कैश में देते हैं और बाकी जो बचता है 65 to 67 thousand crore, उससे कैसे आप देखते हैं कि ये सफिशिएंट है किसान इंफ्रास्ट्रक्चर और उस चीज के लिए? देखिए, भारत सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि हितों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है और लगातार हर वर्ष इस बात की कोशिश की जाती है कि न सिर्फ बजट की बढ़ोतरी हो वरन दूसरी ओर स्कीमों का क्रियान्वयन भी हो। कृषि का क्षेत्र और ग्रामीण विकास का क्षेत्र, पंचायती राज का क्षेत्र, ये ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें सारा काम राज्यों के माध्यम से होता है। किसी भी मंत्रालय में या किसी भी स्कीम में बजट को बहुत बढ़ाया तो जा सकता है, लेकिन बजट खर्च करने की गति एक निश्चित है। कृषि के क्षेत्र में कोई भी योजना जब हम लॉन्च करते हैं तो उस योजना को फलीभूत होने में, परिणाम तक पहुंचने में काफ़ी समय लगता है, लेकिन मैं समझता हूं कि कृषि के क्षेत्र में जो सरकार ने ध्यान दिया है वह बेहतर है और इसके परिणाम भी आने वाले कल में बेहतर कृषि के क्षेत्र में आएंगे ही।